आ मेरी पाग तुहाडे चरणां 'च रखण नूं तैयार आ, मैं लावांगा, मैं गुरु दा सिख आ, मैं लावांगा ते अपने बच्चिआं समेत थाणे दे बाहर आत्म हत्या करांगा। जे कोई जुत्ती चढ़नी ना सच साहब तुहाडी, मेरे ते इंसाफ तां दो मैनूं। एक अमृतधारी सिख जो कि पुलिस प्रशासन अगे अपनी पग उतार के रखन की गल कर रहा है, क्योंकि इसकी दुकान ते एक बार नहीं, दो बार नहीं, सगो चार बार हमला हो चुका है, पर हाले तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसनों लैके इस दे वलो पुलिस प्रशासन को इंसाफ की मांग की जा रही है। दस दिए कि मामला अजनाला तो सामने आया है, जिथे एक मेडिकल स्टोर से हमला किया गया, जिसकी सीसीटीवी वीडियो भी सामने आई है। ते नाल ही एक शख्स दे वल्लों इसकी वीडियो बनाई गई, जिस दे विच शरेआम इसकी दुकान ते इट्टां दे नाल हमला किया गया, तो लोगों ने मौके तो भज के अपनी जान बचाई। तो बार बार दुकान ते हमले तो यह गुरु का सिख इन्ना अक गया कि इंसाफ के लिए पुलिस अगे अपनी पग रखन नूं भी तैयार हो गया, क्योंकि उसकी दुकान ते हमला करन वालियां दे खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। मौके दियां तस्वीरां सामने आईयां ने, जिस दे विच इसकी दुकान ते हमला हो रहा है, जिथे इट्टां दे नाल इसकी दुकान ते हमला किया गया, तो मौके ते कई लोग भी हुंदे ने जिन्हां दे वल्लों भज के अपनी जान बचाई गई है। तो कई सीसीटीवी वीडियोज़ भी सामने आई है, जिस दे विच कई बार इसकी दुकान ते हमले हो चुके ने। तो इस शख्स ने दस्सिया कि इसकी दुकान ते करीब चार बार हमला हो चुका है, पर हाले तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो इस वालों हूँ इंसाफ के लिए पुलिस अगे पग उतारन की भी गल कही गई है। मेरे ना पिछले कोई तकरीबन 20 दिन तो गुंडागर्दी का नाच हो रहा, मेरे नाल तीन चार हमले हो गए ने, चौथा हमला कल भी हो चुका जी। उस मैं सारी वीडियो भी तुम्हें दे रहा जी, उस तोड़ भन करद्या की, तो बार बार मैं दरखास्तां दे चुका हाँ, सारिया दरखास्तां भी दतिया, फिर मैं कल भी दरखास्त दी है, सारे महल ने दुकानदारा ने सैनिव करके दिते है, जो घटनाक्रम होया वो सारा सीसीटीवी के कैद आ। ये जो भी ने मेरे धक्का कर रहे हैं, मैं एक बेनती प्रशासन को करता हाँ कि मैं इंसाफ दो, मैं इंसाफ पसंद बंदा है जी, मैं कितने जावगा, मैं छोटे छोटे बच्चे आ, गरीब हाँ, मैं रोटी का मेरा जरिया, इतने चार बंदे काम करते, रोटी पानी इतना चलता जी। कारण यही है जी कि जी उन्होंने पहले दिन ही कार्रवाई होंगी बनती, जो पुलिस प्रशासन को करनी चाहिए थी, जितने उन्होंने मेरी दुकान से आगे हमला किया, मैं वही वीडियो दी है, तो यह कार्य गांह ना चलता, उत्थे रुक जाता, उन्होंने खुल चुकी है जी कि सानू कड़ा पुलिस ने कुछ कहना, ये मैं एक हाथों जोर कोर एस एच ओ जी नाला साहब बेनती करता, आ मेरी पग तुहाडे चरणां 'च रखण नूं तैयार हां, मैं जे मेरे को कोई भुल हो गई है तो मैनूं माफ़ कर दिओ, मेरी पग भी पैरां 'च रखा लो, लावांगा, मैं गुरु दा सिख आ, मैं लावांगा, पर मेरे ते रहम करो, मेरे ते तरस करो, तो जे मेरा नहीं तुसीं इंसाफ किया तो मैं चाबियां जिंदरां मार के तुहानूं दे दांगा दुकान दियां, तो अपने बच्चिआं समेत थाने के बाहर आत्म हत्या करांगा। मैं तो कोई पार्टी नाल संबंधित नहीं, मैं तो अपनी दुकानदारी चला दिया, कोई मेरी पोलीटिकल मूवमेंट नहीं हैगी, कोई मेरा रौला नहीं है, मेरा इंसाफ निजी आ, मैं निजता के नाल चल रहा, मेरे ते हमले हो रहे हैं कि मेरे कतल का तुसी कतल करवाना चाहते हो, मेरा मेरे मरण की उड़ीक कर रहे हो, दसो मैनू, मैं कि गुरु का सिख हाँ, मैं तरस करो मेरे ते, जद भी पंजाबी नाले दे विच जां पंजाब दे चाफत आई आ, मैं सेवा भी की आ, वध चढ़ के हर जगह रहे, मैं एक समाज सेवी बंदा हाँ, हर गरीब नाल खलोण वाला बंदा हाँ, मेरे ते रहम करो। वो तारी वीडियो तुहाडे उह वेखो सीधे रोड़े जी, अं तो अपनी जान बचाई, तो स्कूली बच्चों के बच्चों लगे जाते सड़क, फिर एक बंदा उत्थे खिला रहा ही, एक इधर की लंघे होना कोई जाना ना जो रोड़ा चलिया, तो वीडियो मैं आप नहीं जो बनाई कि भैन ने सेवा लुटी आ, उन्हें बनाई जो गुंडागर्दी ना, साढ़े को तो बनी नहीं, ये तो लगे हुए थे रोड़े जी, चवें जी ये धी आ रावी जगजीत सिंह आ, वो घर की रंजना, वह पुत्र जरा विश्वराज, उस दो नंबर का हथियार भी है, मगे धरका दी यूपी तो लिया बंदा मारना मुरना, हाँ जी मैं जो असल इंसाफ आ, असल इंसाफ सच सच आ, मेरी पग तुहाडे चरणां 'च आ, सच ओ साहब जी नाला, सच इंसाफ करो मेरे ते, जे कहोगे मैं चौंक 'च पग तुहाडे चरणां 'च रखण नूं तैयार, जे पुलिस कहिंदी आ मेरे को कोई गलती होई आ तो मैं रखण तैयार, मैं अजे देखो जी दबा आ जी, इन्हां दी चंडीगढ़ एक रिश्तेदार आ डी जी दफ्तर, मैनूं लगदा उहदा दबा आ जी, होर भी इन्हां दे अफसर हैगे पुलिस 'च, हो सकदा उहनां दा दबा होवे, ते दबा आ जी सारा काम चल रिहा, मैं ते मैं डी जी पी साहब जी नाल अमृत मंगदा नहीं, पंजाब दे मालक ने, मैंने की करना चाहते हैं, जो भी पंजाब पुलिस चाहती है माफ़ीनामा, मेरे को भुल हो गई है, मेरी पग रखाउणी पग रखा लो, सिर दे विच जिथे रखाउणी पैरां 'च रखा लो, मैं हाथ भी जोड़न नूं तैयार हाँ, जो कहो जे कोई जुत्ती चढ़नी ना सच साहब तुहाडी, मेरे ते इंसाफ तो दो मैनूं, रहमत करो मेरे ते। मेरा नाम रिशपाल सिंह, सबका कौंसलर,
मैं सवेरे गुरद्वारा साहब मत्था टेक के जो वापसी आए तो उदो एक टोड़ा चलन दिया दुकान पर अपना कलेर साहब कह रहे कि उतो लेंटर लीक करके तो पानी सारा थले ना सा नुकसानदेह कर प्रशासन को चाहिए भी ये जरा दबा के इंसाफ करवाना चाहिए कि वादा घाटा भी हो सकता कि सट वाद घट लगी तो फिर गल तो इन्होंने दोनों तरह से ही होनी है मालिक से होनी या किराएदार से होनी या राहगीर किसी पत्थर पुत्थर वज गया इट वटा वज गया तो राहगीर का नुकसान है अभी तो पुलिस प्रशासन को यो बेनती करते कि नभा के इन्हों जो भी हक बनता वो हक रसी होनी चाहिए है अं नहीं कहते कि कोई नुकसान हो गया जिस टाइम से मैं उस टाइम से इटा वाला कोई सर्कल नहीं रौला रौपा पै चुका उस टाइम से बाद जो इन्हें दस्या बाद वीडियो भी वेखी है वीडियो दस्या भी तीन जने तो जरा इट रौला चला रहे तो बाद फिर धरना भी दिता धरने तो वादा ही होया सर सारा इस तरह ही होया मैं तो मंग यो करना पुलिस प्रशासन को चाहिए कि सहयोग दे जो कानूनी कार्रवाई बनती अगले तो करनी चाहिए जो भन तुड़क करता फतेहगढ़ चूड़िया रोड से एक दुकान है जी वो मका दुकान का जो मालिक है तो जो किराएदार है उन्होंने पिछले समय तो झगड़ा चल रहा जोड़ा मैटर है वह अदालत के ध्यान कोर्ट दोवें जे जा चुके हैं तो इन्होंने आपस में जोड़ा वा झगड़ा किया दोवें धिर ने दरखास्त दी है असं मामले में वेरीफाई कर रहे हैं तो जिसका भी दोष होगा उसके खिलाफ असं कार्रवाई जी।